सुंदर बछड़ी है, बछड़े भी साथ में। कितने बछड़े कितने बछड़ियाँ नरेंद्र भाई? सभी इसमें 12 बच्चे हैं, तो 7-8 बछड़े हैं, 4-5 बछड़ियाँ हैं। अच्छा, तो अभी बछड़ों का क्या करेंगे आप? बछड़ा तो हिचो का बछड़ा तो उसके नाम से ही दिख जाएगा। अच्छा, बछड़ी भेजोगे आप? बछड़े तो आप, अच्छा बछड़ी से मुनाफा तो बछड़े में ज्यादा रहता है ना। बछड़ी जब ब्याएगी तब दूध देगी। ये तो वैसे ही 10-12 महीने का होगा, तभी 30-40 हजार में बिक जाएगा। अच्छा, देखिए कितने सुंदर सुंदर है। देखिए वो ऊपर वाला, ये ब्लैक वाला। अच्छा, ये बछड़ा? अच्छा, हाँ, दोनों टॉप गाय के बछड़े। अच्छा, आने वाली नस्ल देख लीजिए। ये सफेद, ये वेल्चो है? ये बछड़ा है, नहीं इल्चो का नहीं है। इल्चो का नहीं है, इल्चो का कैरेक्टर नहीं मिक्स कर रहा है। इल्चो का कैरेक्टर तो अलग ही रहेगा, उसका सिंग अभी 4-5 महीने का, फिर भी देखो सिंग इसका डेवलप हो गया है। ये पीछे वाला ब्लैक भी हिल चुका है। ये हाँ, दोनों बुजड़े हिल चुके हैं, ये तीनों हिल चुके हैं। हाँ, देखिए लग रहा फेस कट से आपको नजर आ जाएगा कि ये हिल चुका है। हिल चुके देखिए नस्ल, ऊपर वाला जो खड़ा वो भी हिल चुके हैं। अच्छा, उसका कलर बड़ा बिल्कुल, उसकी माँ का भी कलर टू इन वन है, अभी प्योर प्योरिटी वाली है। अच्छा, खूबसूरत है। देखिए ये तो नंदी बनेगा, नंदी बनेगा, ये जबरदस्त बनेगा। हिल चुका रिकॉर्ड इसके साथ है। ये तो आपके पास आगे ये बची है? नहीं, ये बछड़ा ही है। ये बछड़ा हिल चुका नहीं है, लेकिन हिल चुका नहीं, इसलिए आएगा ये ऐसा ही है। देखिए ये हमारा गोधन है, आने वाली तैयार नस्लें हैं, इन्हीं से बहुत स्फूर्तीला रहता है ये ना। अच्छा, तो कांकरेज की जनसंख्या अभी थोड़ा बहुत कुछ इजाफा हुआ, कुछ थोड़ा बहुत खतरा रहता है अमून, क्या था हमारे देसी गाय में लुप्त होने की कगार पर रहती कई नस्लें, तो कांकरेज की स्थिति सुधरी है? थोड़ा सुधरी तो है ही, क्योंकि अभी मालूम ये थोड़ा महामारी की वजह से थोड़ा बहुत मालूम को लोगों को इम्यूनिटी का मालूम पड़ा है। तो जितने गाय में इम्यूनिटी रहेगी उतनी तो आदमी में आएगी, और A2 मिल्क में इम्यूनिटी है, और A2 ब्रीड में भी कुछ ब्रीडों में तो बहुत हाई इम्यूनिटी है, जैसे राजस्थान की कुछ ब्रीड है, कच्छ की कांकरेज ब्रीड है, इसमें तो जबरदस्त इम्यूनिटी है, तो उसका दूध पियेंगे। और ये तो ये गाय तो ना बहुत, ये इसका 2-3 दिन का बच्चा ना अगर खुद पे आ गया ना तो अपने को पकड़ने नहीं देगा। अच्छा, तीन चार किलोमीटर भाग जाएगा वो। अच्छा, मुझे लगता है ना क्योंकि कोरोना काल में लोगों को समय मिला, खूब लोगों को जानने का भी मिला, जो करना चाहता है वो करने भी लगा, कुछ धंधे बंद हुए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुए, तो उनको डाइवर्ट होने का मौका मिला। तो कोरोना अभिशाप रहा तो वरदान भी रहा कई क्षेत्रों में, वरदान भी रहा। और हम कोई कुछ लोग जो ऑर्गेनिक खाना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे वो भी कर पा रहे हैं, और जो लोग ऑर्गेनिक जिनको दाम नहीं मिल रहा था वो भी, इनको भी अभी मार्केट मिल रहा है। क्यों मालूम पड़ रहा है कि इम्यूनिटी का मतलब कोरोना में सब टेस्ट कर लिया सबको, कोरोना ने सभी को, ये बहुत अच्छा रहा। और देखिए एक फार्म का अद्भुत नजारा, ये देखिए वो नेचुरल फार्मिंग है। नेचुरल कीटनाशक जो बगले है ना, अच्छा अच्छा, वो नेचुरल कीटनाशक है, वो सभी जो कीड़े हैं ना वो सब उसको खाते हैं, तो आप डिस्टर्ब नहीं करोगे ना तो कुदरत उसका जुगाड़ खुद ब खुद करते रहता है। प्रकृति हम कुछ भी कीटनाशक नहीं यूज करते हैं, हम जो पानी के साथ जीवामृत छास ये सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छिड़काव तो कोई चीज का नहीं करते, गौमूत्र का भी नहीं, छास का भी नहीं, कुछ छिड़काव नहीं, तो बिल्कुल नेचुरल कर रहे हैं, मतलब पूरा नेचुरल जैसे जंगल में रहता है खेती। अच्छा, और अच्छा, उसका अच्छा। उसका जुगाड़ खुद, अगर हम सस्टेनेबल फार्म बनाए ना तो उसका जुगाड़ कुदरत खुद करता है, क्योंकि हम कीड़े को पक्षियों के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था है, तो पक्षी बहुत आते हैं, तो पक्षी ना कीड़े बहुत ज्यादातर अपने फार्म के कीड़े पक्षी खा जाते हैं, गाय के ऊपर से भी कीड़े खाते हैं और खेत में से भी कीड़े खा जाते हैं। अच्छा, वाह, ये देखिए अभी तो कितनी अद्भुत तस्वीर है, इधर उधर सामने जो कट चालू उधर भी कीड़े, ये अपने फ्री में ही अपना कीटनाशक का काम हो रहा है।
बहुत अद्भुत, अब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और हम जो बाजरा ज्वार जो करते हैं उसके ऊपर भी रखवाली नहीं करते, जितना खाना है उतना कीड़े ये पक्षी खाएंगे, उसके बाद जो बच गया वो हम बोएंगे, हम लड़ेंगे जो ले लेंगे ऐसा है। अच्छा, उसके ऊपर भी कभी सुबह शाम भी कुछ फार्मर्स उसका रखवाली करते हैं, लेकिन हम कभी भी रखवाली नहीं करते पक्षी के बचाव के लिए, सब प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं। और कभी कभार कभी हम घाटे में नहीं गए। अच्छा। हम मुनाफे में ही रहे कोई भी साथ। देखिए सोच अच्छी है और नियत अच्छी है। हाँ। तो उसके दम पे आप हमेशा, प्रकृति भी आपका साथ देगी, ईश्वर भी साथ देगा, गौ माता का आशीर्वाद साथ रहेगा। कितना कहेंगे, 10%, 20% खाएंगे बस। और कहाँ ले जाएंगे, वही तो ले जाए, सब कुछ यही रहना। तो जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल।